अरे यार वो निखिल आ रहा है आलिया के रिश्ते के लिए, मुझे मुझे आके फ्रेश होना है, मैं अभी आया। हाँ और हाँ, आज रात को जब हम दोनों अकेले होंगे ना तो अपना जवाब तैयार रखना, क्या है ना मुझे इंतजार करने की आदत नहीं। शादी हो गई है उन दोनों की, काहे दूर रख रही हो? हाँ कम से कम ये तो एंजॉय करे। गुड, अब इसका नंबर क्यों नहीं लग रहा है? इसका फोन मिल जाए तो कम से कम इसे बता तो दूं कि इस वक्त के लिए हाँ बोल दे, बाकी बाद में देख लेंगे। कि भाई ने कहा है कि शादी में टाइम लगेगा तो हमें बात को समझने के लिए काफी टाइम भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आज इसने सच बोल दिया ना तो एक साथ सबकी पोल खुल जाएगी। आलिया आलिया देखो तुमसे मिलने के लिए कौन है। हाय आलिया, कांग्रेचुलेशंस आलिया। आलिया इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने शादी के लिए हाँ कह दिया। आलिया इज इट ट्रू कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? आलिया अगर ऐसा है तो वी आर ऑल वेरी हैप्पी यार, बट यू नो तुमने लाइफ में पहली बार ऐसा डिसीजन लिया जिससे हम सब बहुत खुश हैं, एंड इट्स अ करेक्ट डिसीजन, एंड निखिल मेरा फ्रेंड, आई नो हिम, इज अ नाइस गाय, तुम्हें खुश रखेगा। और अब तुमने शादी करने का डिसीजन ले ही लिया है तो प्लीज किसी को भगा के मत लेकर जाना या खुद मत भाग जाना। वो क्या है, बिना ड्रामे के तो कोई तुम काम कर ही नहीं सकती हो। हेलो, इस बार कोई ड्रामा नहीं होगा, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है एलन, और क्योंकि ये मेरी बहन है ये इस डिसीजन से पीछे नहीं हटेगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि मुझे मेरी पुरानी वाली आलिया मिल गई है। और जीजू इस बात पे तो पार्टी बनती है ना? ऑफ कोर्स, लेकिन आज के डिनर के बाद। देखो हाँ सिर्फ आलिया ने किया, एक बार निखिल हाँ कह दे उसके बाद शादी तक हर रोज पार्टी। सुनो निखिल से ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं, जो बात करूंगा मैं करूंगा। ऑलराइट, तो अच्छा है मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा वरना फालतू में सीन क्रिएट होगा। चलो। मेरे समझ में नहीं आ रहा है अभी ने आज हमको सबको एक साथ डिनर पे क्यों बुलाया है। मम्मी जी आप आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? इतना अच्छा खाना आया है, आप बस खाने पे ध्यान रखो। इस खुशी में ये सब आज। राज अभी ने बुलाया हम सब लोगों को, उसने बोला कि डिनर पे वो कुछ बताएगा, मुझे तो लगता है कुछ फैमिली मैटर होगा। मम्मी जी लो आ गए, मैंने आपसे कहा था ना पहले ही खा लो, अब महारानी आ गई है, मोगेम्बो लेडी, बस हो गया हमारे खाने का बड़ा डर। तू क्यों आई है यहाँ, देख नहीं रही हमारा फैमिली डिनर चल रहा है यहाँ? अब रहने दो ताई जी, इसे मैंने ही बुलाया, वो क्या है जो मैं करने जा रहा हूं ना उसका आइडिया इसी ने दिया है। तुम खड़ी क्यों, बैठ जाओ। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया। वेल एक्चुअली कुछ फैमिली मैटर्स और फैमिली डिसीशंस जो होते हैं वो फैमिली के साथ ली जाती है, इसलिए हम सब यहाँ पर हैं। मैंने एक लड़के को शादी के रिश्ते के लिए बुलाया। किसकी शादी भाई? आलिया की। अभी और तनु की शादी से पहले ये आलिया की शादी कहां से आ गई? आलिया की शादी
इस लड़की की किस्मत फूटने वाली है? नहीं, मेरा मतलब यह है कि हमारी आलिया की किस्मत कौन चमकाने वाला है? वो आप सबको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, ऐसा कुछ मत करना जिससे वो एम्बेरस हो जाए। मैं नहीं चाहता किसी एक की बेवकूफी की वजह से इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाए। ऑलराइट? नहीं नहीं पुत्र, हम सब तो चाहते हैं कि आलिया की शादी हो जाए। तू चिंता मत कर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये तो आ गया, मुझे लगा कि फोन बंद है तो ये शायद आएगा ही नहीं। कैसा है? Hey! Hey, hi everybody. Nikhil, welcome. Welcome, welcome. Please come. Hi everyone. ये सब क्या हो रहा है? Family dinner में निखिल क्यों आया है? अभी उसका welcome क्यों कर रहा है? तो कैसी रही मीटिंग? अच्छी थी यार, सेम ओल्ड बोरिंग मीटिंग। एंड थैंक्स फॉर कमिंग, मुझे लगा इतने रात को तुम बिजी हो गए तो शायद। एक्चुअली मीटिंग डिले हो गई थी, लेकिन मैंने कहा कि एक रॉकस्टार की इनविटेशन है, मना कैसे कर सकते हैं, मीटिंग्स तो आती जाती रहेंगी। शादी के लिए हाँ कह देना, शादी काफी लेट होगी तो हम तब तक कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। Well, निखिल, तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया। Well, actually, कुछ decisions ऐसे होते हैं जो फैमिली के बिना आप नहीं ले सकते और लेने भी नहीं चाहिए। तुम मेरी पूरी फैमिली को जानते हो, मेरी पूरी फैमिली तुम्हें जानते हैं। एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी निखिल, तुम आलिया को तो जानती हो, मेरी छोटी बहन, सबकी लाडली। वेल, कुछ दिनों से हम उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिला। मैं जानता हूँ तुम्हें ये सारी बातें अजीब लग रही होंगी, लेकिन आई थिंक आई शुड गेट टू द पॉइंट, आई एम नॉट गुड एट दिस। मेरी दादी को लगता है कि तुम आलिया के लिए परफेक्ट हो। और मुझे भी यही लगता है, इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या तुम मेरी बहन आलिया से शादी करोगी? अभी ने इसे पसंद किया आलिया के लिए? आलिया तो इसका खून बिना स्ट्रॉ लगाए चूस जाएगी। क्या वो निखिल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? यार अभी मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों, कोई प्रॉब्लम है आलिया में? अभी शादी क्यों नहीं कर सकता, ये जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। मुझे लगता है कि इतना बड़ा डिसीजन मुझे सोच समझ के लेना पड़ेगा, हक है मेरा। सो बेसिकली आई एम जस्ट सॉरी, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल यार। एक्सक्यूज मी एवरीवन। बुरा मान गया शायद, शायद मेरा बोलने का तरीका ठीक नहीं था, और मे भी शायद मुझे सबके सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं भी ना, मैं सॉरी बोल कर आता हूँ। भाई कोई जाने की जरूरत नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं कहा है, और मैं नहीं चाहती कि आप किसी के भी सामने झुके। सो जस्ट लेट इट बी। कम ऑन आलिया, शायद गलती मेरी, और कौन भाई अपनी बहन की शादी के मैटर में लड़के को रिस्पेक्ट नहीं देगा। मुझे शायद उसे बात करनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। आई विल बी बैक। बट तो फाइनली निखिल ने मना कर ही दिया। मतलब मेरा शक सही था कि निखिल और तनु के बीच में कुछ तो है। दादी मैं ना
आपसे कुछ इजाजत लेना चाहती हूँ आलिया से बात करने के लिए। आलिया तुम्हें ना इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, इस रिजेक्शन की तो तुम्हें आदत हो गई। मेरा मतलब है पहले पूरब ने रिजेक्ट किया, अभी निखिल ने, तो क्या हुआ? अरे बहुत तेरे लड़के हैं तुम्हारे लिए, दुनिया में कमी है क्या लड़कों की? ज्यादा दूर क्यों जाए, हमारे घर के पास में है ना वो मोंटू मैकेनिक। ऐसे क्या देख रहे हैं सब लोग? मेरा मतलब है वो मैकेनिक नहीं, एक गैराज का मालिक है। मालिक? अरे बहुत कुछ कमाता है वो, मतलब उसके गैराज में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है ठीक होने के लिए, बहुत पैसों वाला है। हाँ और एजेक दिखता है पर है बहुत यंग, एकदम यंग, एक आध दो साल का फर्क होगा तुम्हारे उसमें। हाँ वैसे भी घोड़े और आदमी हमेशा जवान रहते हैं, एकदम यंग। मैं पूरी गारंटी लेती हूँ 100% की कि वो लड़का तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ आई मीन लाइक तुमने मुझे भाई को रोकने क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर तुम ज्यादा जिद करती अभी गुस्सा हो जाता। ओ यार राइट, भाई मुझसे गुस्सा होते और मैं रोने लग जाती। यू फूल, निखिल भाई के सामने अगर सच पूरा बक देगा ना कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है तो तुम जिंदगी भर रोती रहे। ओ माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब क्या करें? वेरी नाइस तनु, खुद का दिमाग चलता नहीं और जिसका चलता है उसको तुम काम करने देती नहीं हो। और तुम्हें मुझे तो लगा था कि आज मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करूंगी लेकिन अफसोस जताना पड़ रहा है। नो सीरियसली, मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है। मैम सरप्राइज के निकलने ऐसे बिना कुछ कहे बिना कोई एक्सप्लेनेशन के मना कर दिया। आई मीन कोई तुम्हारे स्टेटस का अगर होता आई वुड अंडरस्टैंड, लेकिन अब निखिल जैसे लड़के भी मना करने लगे तो। स्वीटहार्ट मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, बिकॉज रिजेक्शन निखिल ने नहीं पहले मैंने ही दे दिया। मुझे वैसे भी उसे कोई शादी करनी नहीं थी। क्या कमी है निखिल में? या फिर तुम्हें आदत है अपने भाई से झूठ बोलने की? तुम्हें पता है कि तुमने निखिल से शादी के लिए हाँ तो कह दिया लेकिन वाकई उससे शादी नहीं करना चाहती थी, ये जानने के बाद तुम्हारे भाई को कितना बुरा लगेगा? वैसे मुझे लगता तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज तुम्हें तो आदत है ना उनसे झूठ बोलने की, उन्हें धोखा देने की। तुम क्यों परेशान हो रही हो? ऐसा तो कुछ नहीं है कि आलिया की शादी से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। मेरे साथ क्या गलत होगा? ये तो मुझसे बेहतर तुम बता सकती हो। देखो आलिया ने तो जो कुछ भी किया उसका हिसाब इसके साथ होगा ही, लेकिन तुमने भी तो कुछ गलत किया ही होगा ना, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ओ प्लीज मुझे लेक्चर देना बंद करो, मैं भी जानती हूँ तुमने क्या किया है, सबको धोखा दिया है, मुझसे मेरा सब कुछ हमारा सब कुछ छीन लिया है और अब यह महात्मा बने हमें लेक्चर दे रही हो। तुमसे कहाँ छीना मैंने तुम्हारा सब कुछ? तुम्हारे होने वाले पति को तो छोड़ दिया ना तुम्हारे लिए, या तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है? उनके पैसों के लिए तुम उनके साथ। खैर जिसको जो मिलना था वो मिल गया, जो खोना था खो गया, तो अब जो जिसके पास है उसके साथ खुश रहने की आदत डाल लो, वरना आदत डलवाना और आदत छुड़वाना दोनों मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। सॉरी फी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रज्ञा का शक बिल्कुल सही था, ये निखिल और तनु के बीच में कोई ना कोई चक्कर है, इसीलिए उसने आलिया से शादी करने को मना कर दिया। दादी आप सही कह रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि और टाइम वेस्ट करे बिना हमें अपना पूरा ध्यान निखिल पे रखना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा ना उनकी पोल नहीं खुलेगी, और मेरे हिसाब से दो दिन के अंदर इन लोगों की पोल खोल के सबके सामने आ जानी चाहिए।
बुलबुल क्या सोच रही हो? पूरा मैं ये सोच रही थी कि दादी ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा, और इस वक्त तनु और आलिया क्या सोच रही होगी? हमने सबके सामने बात करके गलती कर दी पूरब, तनु और आलिया जरूर अलर्ट हो गई होगी और अपने सारे सारे प्रूफ्स मिटाने की कोशिश में लग गई होगी। आई एम श्योर अबाउट इट। ये बिल्कुल सही कह रही है, सबके सामने जो मैं आलिया की शादी की बात करी है शायद सही नहीं है। अब ऐसे करना चाहिए कि हमें फटाफट कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि उन दोनों को कुछ सोचने का मौका ही ना मिले। पर पहले हमें ये देखना है कि ऐसी क्या वजह है कि निखिल ने आलिया से शादी करने के लिए मना कर दी। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रेशर में आके या हड़बड़ा के या घबरा के वो सारा सच खुद ही हो कर दे, यू नो इट्स पॉसिबल। पूरब तुम भी ना, आज तक उसने कुछ नहीं कहा तो ऐसे कैसे कल सब कुछ बता देगा वो पूरब? और तुम्हें क्या लगता है तनु और आलिया बेवकूफ है जो निखिल की बातें मानेगी? और देखना तुम, कल निखिल नहीं आने वाला, वो जरूर अपना फोन स्विच ऑफ कर देगा या बोलेगा कि ही इज आउट ऑफ मुंबई। ओए इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं पर प्रज्ञा अभी तक आई नहीं। दादी मैं जरा देख कर आता। नहीं नहीं तुम कहीं मत जाओ, मैं जानती हूँ प्रज्ञा दी कहाँ है। कहाँ है दादी? वो एक्चुअली निखिल ने आलिया से शादी करने से मना कर दिया, इसलिए जीजू अपसेट होंगे, इसीलिए दी इनडायरेक्टली जीजू को मनाने के लिए गई होगी। अब आप मशहूर हो जाना, वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है और गुस्से में मैं कुछ बोल जाऊंगी तो आप ही को बुरा लग जाएगा, सो प्लीज। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, तुम लोगों ने अगर डिसाइड कर ही लिया है कि जो भी करना है अपने लिए करना है, कोई बात शेयर नहीं करनी है, तो ठीक है, आज से सिर्फ मैं अपने बारे में ही सोचूंगा, ठीक है? सुनिए 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 प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप जानते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं और गुस्से में मैं कुछ भी बोल देती हूं, और आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आप तो समझदार हैं। कैसे रिएक्ट करूं? खुशियां मनाओ, ढिंढोरा पीटूं कि मेरी बहन की शादी हो रही है और मुझे खबर तक नहीं, और किसी ने मुझे बताने की कोशिश तक नहीं की। तो मैं यार यहाँ पे आ गया तो मुझे मालूम चल गया, वरना सीधा मंडप में बुलाया जाता। आओ विदाई कर दो अपनी बहन की। भैया ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली आलिया शादी कर ही नहीं रही है और हम आपको ये बात बताने वाले थे, फिर सोचा बिजी होंगे तो डिस्टर्ब ना करें। तुम लोगों ने अगर इतना सोचा होता ना तो बात यहाँ तक पहुँचती भी नहीं, क्योंकि ये शादी का मैटर मुझे शादी का मैटर नहीं कुछ और समझ में आ रहा है। एनीवेज ये सब प्रॉब्लम मेरी नहीं, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा बीच में, लेकिन निखिल जैसा इंसान दिखता है वैसा है नहीं, तो थोड़ा सा संभल के। इतने सवाल चल रहे होंगे इनके दिमाग में कि निखिल ने आलिया से शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया। आई होप कल इन्हें सच का पता चल ही जाए। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आप निखिल ने ना क्यों बोला है? क्या वजह हो सकती है मना करने की? आप मुझसे पूछ रहे हैं? देखिए वजह तो कुछ भी हो सकती है, एक तो आपने अचानक से उससे ये सवाल कर लिया, और क्या पता निखिल को पता चल गया हो कि आलिया कैसी है। हम सब जानते हैं कि आलिया काफी एरोगेंट है, और जब कोई लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता तो आलिया बदल चुकी है ऐसा आपको लगता है, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं बदलते, वो सिर्फ ऐसा दिखावा करते हैं कि वो बदल चुके हैं, लेकिन असलियत में वो वैसे ही रहते हैं जैसे वो पहले थे। जैसे कि तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि उस दिन जब मैंने तुम्हें शराब पिलाई थी तो तुम बिल्कुल मेरी फुकी जैसी बन गई थी, और लोग कहते हैं ना कि शराब पीने के बाद इंसान की असलियत बाहर आ जाती है, वो जैसे होता है वैसे ही दिखता है, जो बोलता है सच बोलता है। ये बात हर किसी पे फिट हो ये जरूरी नहीं, और कुछ लोग इतने स्ट्रांग होते हैं, उनका विल पावर इतना स्ट्रांग होता है कि वो शराब पीने के बाद भी झूठ बोल सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो भी देख लिया मैंने, जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या छुपा रही हो तो कितनी सफाई के साथ तुमने झूठ बोला। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच बोल रही हो या झूठ, कहते हैं ना जब इंसान किसी से प्यार करने लगता है ना तो उसकी खामियां नहीं देखता, और मैं तुम्हें तुम्हारी बुराइयों के साथ भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। आपका दिमाग तो ठीक है ना, आप जानते हैं मैं कैसी हूं और आप फिर भी मुझसे ये सब कह रहे हैं। तुम जैसे भी हो तुम्हारे अंदर दिल तो है ना, और दिल है तो फिर
फीलिंग्स भी होगी। देखो तुम किसी और के लिए फील करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर ना मैं अपने फीलिंग्स का एहसास दिला कर रहूंगा। फिर देखता हूँ कौन जीतता है, तुम या मेरा प्यार। ना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरे दिल में ना तो आपके लिए अभी कोई फीलिंग्स है ना कभी होंगी। आप जानते हैं कि मेरे लिए अब एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है पैसा। ठीक है, तो मैं अपने आप को इतना कीमती बना दूंगा ना कि तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। वो कहते हैं ना कि जो लोग पैसों से प्यार करते हैं ना, वो लोग हर रोज पैसों के लिए मरते हैं, और ऐसे में जीने का मौका गवा बैठते। तुम्हारे पास वक्त नहीं है और मेरे पास वक्त ही वक्त है। जितना भी मुझे टॉर्चर करो, रिजेक्ट करो, मैं कोशिश करता रहूंगा तुमसे प्यार करता रहूंगा। देखते हैं कौन जीतता है, तुम या मेरा प्यार। एनीवेज आज बिना जवाब दिए जाने का मौका दे रहा हूं, लेकिन अगली बार तुम्हें जवाब तो देना ही होगा। तुम नहीं तो तुम्हारा ये लालची दिल बोलेगा, जिसकी आवाज मैं नहीं तुम खुद सुनोगी। जस्ट वेट एंड वॉच मिस प्रज्ञा अरोड़ा। क्यों कर रहे हैं ऐसा? बेवजह तो करेंगी नहीं, फिर क्या वजह हो सकती है इस सब के पीछे?